इस वक्त हम हिल व्यू होटल में आए हुए हैं। ये F7 मर्कज में है और आप देख सकते हैं कि ये कैसा रूम है इसका। आप मुलाहिज़ा कीजिए, रूम मुझे अच्छा लग रहा है। आपने रूम तो हमारा देख ही लिया होगा, मगर रूम से एक और नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं और वो एक VIP नज़ारा है। ये देखें, ये है जिना सुपरमार्केट और इस्लामाबाद की लीड क्लास मार्केट है। आप देखें कि कितना सब्ज़ किस्म का व्यू है। इस्लामाबाद की ख़ास बात यह है कि कल जब बारिश हो रही थी तो इंतहा किस्म की सर्दी थी और अभी आपने देखा कितनी तेज़ धूप है। अल्लाह अल्लाह, तेरे करम है भाई, है तेरे करिश्मे हैं। तो थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर एक दोस्त से उनसे आपको मिलवाएंगे और फिर हम किसी जगह जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। वेलकम टू इस्लामाबाद शेख साहब। सर किधर ले जाना है? सर हम आपको BLT लेके चलते हैं। वो BLT क्या है? नहीं, ये है बीफ लेटस टमाटो। ओह, आपके भाई का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। ओह खैर भाई, वहाँ पे आज आपको लंच इंशाल्लाह करवाते हैं। चलें जी, लेट्स गो। है 4x4 है। अच्छा, रेस्टोरेंट कब स्टार्ट किया आपने? रेस्टोरेंट मैंने किया तो 2 साल हो गए, बट आपसे बल्कि लास्ट टाइम भी प्लान था कि आपको लेके। यार हमारी तो टीम आई हुई थी, आपने लोगों को बुलाया नहीं। आप बुलाया था आपको, बट आप लोग उस दिन अवेलेबल नहीं थे। जी, ये एंट्रेंस है यहाँ से और एक दूसरी साइड से गोल मार्केट की तरफ से भी है। ये गोल मार्केट जगह कहलाती है F73 के अंदर। और ये रेस्टोरेंट हमने स्टार्ट किया था 2018 में। आउटसाइड एरिया है जिसे हम डेक बोलते हैं और ये इनसाइड है। समझ नहीं आ रहा कि हम खाएं क्या यहाँ पे। अगर तो आप बीफ लवर हैं तो चिकन लवर। मैं बीफ लवर तो हूँ मगर खा नहीं सकता है। नहीं, अब मेडिकली नहीं खा सकता। लवर तो बहुत हूँ मैं, लवर तो सब चीज़ों में हूँ। लवर तो आप जानते ही हैं। आप लवर बात आपने भी बतानी है मुझे तो वाओ, ये रात को क्या व्यू देता होगा यार। रात को बहुत खूबसूरत है ना, इसकी लाइटिंग जो बहुत स्पेशल लाइट्स है। तो यार समथिंग स्पेशल को लेके आना चाहिए ना यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप आए तो समथिंग स्पेशल को, समथिंग स्पेशल आप यकीनन भाभी की तरफ ही रेफर कर रहे हैं।
अभी हमने स्टफ़ चिकन टेंडर एज एपेटाइज़र ऑर्डर किया है, तो मेन कोर्स आप डिसाइड कर लें कि चिकन में क्या लेंगे। मैं तो प्रॉब्ली गोइंग फॉर द बीफ सैंडविच। ओके मैं कल, वो तो आप थोड़ा सा शेयर कर लेंगे मेरे साथ पहले से। यार इनके साथ तो हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी है। मेरी जब यहाँ पे नौकरी लगी थी पेमरा में, तो अंडर ट्रेनिंग था मैं और इमरान भाई और साजिद, हम तीनों आमने सामने रहते थे और तो हमने बड़े अच्छे टाइम गुजारे वहाँ पे। ठीक है, अब मज़ीद जो है वो हम आपस पर्सनल बातें करेंगे, आपको हम दिखाएंगे जब ये कहावा स्टार्टर आ जाएगा। जूसी फिल्ड मतलब चीज़ है, ये चीज़ है। और ये कौन सी क्रीम है इसके साथ, सॉस कौन सा है? ये मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड सॉस है ये। हाँ हाँ यार, नैंडोज याद आ गया मुझे, क्या बात है भाई। इमरान भाई थोड़ा सा मौजे पे आते और अब हम जो हैं ये इसके साथ ट्राई करते हैं। ये क्या लेके आए हैं भाई? सर मैक्सिकन चिकन है, स्पाइसी है, साइलेंट बेक पोटैटो है। ये सैंडविच इतना बड़ा, ये फुल ब्रेड के साथ इसमें स्टफिंग की हुई है सर, चीज़ और शेडर बीफ की हुई है सर। क्या बात है इमरान भाई, अगर तो वो आ रहे हैं तो भाई। भाई। मेरे खाके देखते हैं और जो इसका ग्रीन जो ये शेड आ रहा है ना, वो क्या क्लास आ रहा है, सोच है आपकी। इमरान भाई की जो रेस्टोरेंट की जो रेसिपी वो ट्राई करेंगे कैसी है। ये मैक्सिकन चिकन है, थोड़ा सा स्पाइसी है आई थिंक सो, मगर अभी तक मैंने चेक नहीं किया। ये तो डिस्क्रिप्शन थी जो बता रहे थे। राउंड लगा के आते हैं कॉफी पी, सही कह रहे हैं। चलते हैं शालीमार पार्क और इसका राउंड लगाते हैं। मैंने कैसे, ये कौन सी मार्केट है, गोल मार्केट? दिस इज कॉल्ड गोल मार्केट। गोल मार्केट क्यों है ये, अभी आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हाँ तो मशहूर है यार, देखिए जी क्या एलीट क्लास जगह है यहाँ पे। तकरीबन सारे ही खूबसूरत रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कैफे लांतो देखें आप, सारे खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं ये। कॉफ़ी पिए और ये क्या है, केक यहाँ की स्पेशलिटी है कैरमल कॉफी केक, और इसके ऊपर कैरमल ही डाला हुआ और साथ ही कैपेचिनो कॉफी। ये तो बहुत क्लास है भाई सर, आप ट्राई करेंगे। दिस इज टू गुड यार, टू गुड। इसके साथ ये आइसक्रीम है यार, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट।
अमेजिंग सर। सर बी अल्टीमेट डिज़र्ट के बारे में क्या है? मगर जितना भी मैंने अभी टेस्ट किया है इसको, इस अमेजिंग है। और इसका आइसक्रीम के साथ यूँ करके आप खाएं तो उसकी क्या बात है, आपके मुंह में पानी आना चाहिए ना देख के देखें। आप गिल्टी आके देखिएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरे दोस्त क्या है, मगर आप आए चेक कीजिएगा। खाना भी अच्छा, एक तो बहुत मज़े का है, दूसरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नाश्ता ही ना करके आया करें, दोपहर खा रहे दोपहर खाना खाना है तो, और अगर रात का खाना खाना है तो 7-8 बजे आ जाएँ क्योंकि जल्दी बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट। क्या टाइमिंग्स है? 10 o'clock है, तो 7-8 बजे आप आ जाएँ, दोपहर खाना वैसे ही ना खाएँ। इट्स वेरी हेल्दी फूड सर। अगर हम चाह के तो उससे कोई आपके पास आए इस वीडियो को देख के, तो आप कोई उनको डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल देंगे, जो भी हम चार की तरफ से आएगा। हम चार मेरा फेवरेट चैनल है और मैं इसके वीलॉग बहुत शौक से देखता हूँ, पर्टिकुलरली आपके नॉर्दर्न एरियाज के वीलॉग मुझे बहुत पसंद है। तो हैंड्स ऑफ टू गाइस, यू गाइस हैव डन वेरी गुड वर्क। मेरा ख्याल है कि आप अपना ही अच्छा काम जारी रखें और पाकिस्तान में भी जाएँ, पाकिस्तान से बाहर भी जाएँ, कंटिन्यू विद दिस, दैट रियली एजुकेट अस अ लॉट। थैंक यू।